फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करें या फिर एक अलग से फेसबुक पेज बनाएं? इस चीज का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझेंगे कि फेसबुक प्रोफेशनल मोड क्या होता है, देन फेसबुक पेज की बात करेंगे और दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रांग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें WsCube Tech का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच। इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल एंड एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग विद अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी, आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, उसी के साथ डाउट सेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCube Tech चैनल। तो फेसबुक पर जब आप एक प्रोफाइल बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप उसी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लें और दूसरा ऑप्शन होता है आप चाहे जितने उतने पेजेस बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक पर एक प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाने के बाद अगर आप उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करते हैं तो वही सेम प्रोफाइल जो है एक प्रोफेशनल मोड उसमें आ जाएगा, लोग आपको फॉलो कर पाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, उसी के साथ ही आप अपने कंटेंट को शेयर करके मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने कंटेंट के लिए अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल थी बस वही कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, प्रोफेशनल मोड में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं फेसबुक पेज की बात करूं तो फेसबुक पेज जो है वो एक अलग आइडेंटिटी से बनेगा, एक अलग नाम से बनेगा, एक अलग उसका बायो होगा, अलग प्रोफाइल पिक्चर होगी, अलग एक कवर पेज होगा। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फेसबुक पेज या फिर प्रोफेशनल मोड क्या इनमें से हमें चूज करना चाहिए, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि इसको करते कैसे हैं चेंज। तो देखिए, प्रोफेशनल मोड उन सभी लोगों के लिए है जो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक पर्सन, एज अ पर्सन वो अपनी ब्रांड को स्प्रेड करना चाहते हैं। लेकिन फेसबुक पेज उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को या फिर अपने ब्लॉग्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जब आप एक प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके फॉलोअर्स यानी आपके कनेक्शंस बन जाते हैं। लेकिन फेसबुक पेज में ऐसा नहीं होता है। जब आप एक नया फेसबुक पेज बनाते हो तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में वो पेज शेयर करना पड़ता है और वो लोग आपको फॉलो करते हैं तो ही वो आपके फॉलोअर्स बन पाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। उसी के साथ ही अगर मैं फेसबुक पेज की बात करूं तो यहाँ पर कंटेंट वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फेसबुक के नॉर्मल प्रोफेशनल मोड की तो एक तरह से ये एक प्रोफाइल ही है लेकिन ये थोड़ा सा प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको ऑप्शन होता है कि आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। प्रोफेशनल मोड वाली जो प्रोफाइल है इसको प्राइवेट कर सकते हो, इसको लोगों से छुपा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके कनेक्शंस ही आपकी जो पोस्ट हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देख पाएंगे। उसी के साथ ही सबसे बड़ा डिफरेंस कि फेसबुक प्रोफेशनल मोड में आपको किसी भी तरीके का एनालिटिक्स या फिर इनसाइट्स का ऑप्शन नहीं मिलता, बल्कि ये ऑप्शन आपको मिलता है फेसबुक पेज में। तो अगर आप अपने फ्यूचर कंटेंट की प्लानिंग करना चाहते हो, किसी भी कैंपेन की प्लानिंग करना चाहते हो तो ये पॉसिबल हो पाएगा ओनली एंड ओनली फेसबुक पेजेस में। उसी के साथ ही फेसबुक पेज को मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं। आप इसको क्रिएटर्स मोड से भी यूज कर सकते हैं यानी मेटा स्वीट से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक प्रोफेशनल मोड को एक इंडिविजुअल यूज के लिए बनाया गया है तो उसको एक ही पर्सन जो है एट अ टाइम यूज कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम फेसबुक पर और अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है, अभी जस्ट मैंने ये अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो यहां पर राइट हैंड साइड में ये जो थ्री डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहां पर आप क्लिक करेंगे और लास्ट में ऑप्शन है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं फेसबुक क्या कह रहा है कि यू कैन गेट पेड फॉर योर कॉन्टेंट, ग्रो योर ऑडियंस, सी कॉन्टेंट इनसाइट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए इसको टर्न ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या मिलेगा कि हम अपना ग्रो योर ऑडियंस, मतलब अपने ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं बिना एक पेज बनाए। उसी के साथ ही हम अब एक ये क्रिएटर हैं, कोई भी आपको फॉलो कर सकता है, आपका पब्लिक कंटेंट आपका देख सकता है और उसी के साथ ही ये आपकी डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। और अगर आप कंटेंट बनाएंगे तो और पार्टनर्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज यानी जो फेसबुक के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसे आप पूरा करते हैं तो आप अपने कंटेंट के लिए आपको पैसा भी मिलेगा जो उस पर एड चलेंगी। बाकी हम फेसबुक मोनेटाइजेशन की
जाने आगे वाली वीडियो में बात करेंगे, तो मेक श्योर करो कि आप कनेक्टेड रहे हो और एक भी वीडियो मिस ना करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ जो ये मेरा आउटलुक था, जो मेरी प्रोफाइल का, वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर अबाउट सेक्शन आ चुका है, फॉलोवर्स का ऑप्शन आ चुका है, फोटोज, वीडियोज, ग्रुप्स का यहाँ पर अलग से ऑप्शन आ चुका है। उसके अलावा एड बायो का ऑप्शन आ रहा है, एड डिटेल्स का, हॉबीज का, एंड ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही है, देख सकते हो आप। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फेसबुक पेज को फेसबुक प्रोफाइल से बेटर बनाती हैं, जैसे कि इट इज इजियर टू गेट मोर फॉलोवर्स देन गेटिंग फ्रेंड्स ऑन फेसबुक प्रोफाइल। यानी फेसबुक पेज पर फॉलोवर्स लाना आसान होता है, लेकिन फेसबुक प्रोफाइल पर फ्रेंड्स ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को आपकी जो प्रोफाइल है वो रिकमेंड की जाती है, जो कैसे ना कैसे आपको जानते हो या फिर आपके एरिया से बिलोंग करते हो, आपके बिजनेस से बिलोंग करते हो। लेकिन फेसबुक पेज हर एक उस पर्सन को रिकमेंड किया जाता है, फेसबुक खुद चाहता है कि आपका फेसबुक पेज उन लोगों तक पहुंचे जिस निश का आपका पेज है और जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है। तो फेसबुक पेज पर फॉलोवर्स लाना आसान होता है। उसके अलावा जैसे अपन ने देखा, सीटीए बटन जो होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन जो होते हैं, वो आपको प्रोफाइल पर नहीं मिलते। प्रोफाइल पर सिर्फ मैसेज का या एड फ्रेंड का बटन होता है, लेकिन पेज पर आपको सीटीए जैसे कॉन्टेक्टर्स, विजिटर्स, विजिटर वेबसाइट, मेलर्स, मैसेजर्स, ये सारे तरीके के कॉल टू एक्शन बटन आपको मिलते हैं, जो कि हम आगे वीडियोज में बात करेंगे। उसी के साथ ही एक साथ आप काफी सारे पेजेस जो है वो मैनेज कर सकते हो। लेकिन प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में अगर जाना है, तो आपको लॉग आउट करके लॉग इन दूसरी आईडी में करना पड़ेगा, तो आप प्रीवियस जो प्रोफाइल है उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन पेजेस के साथ ऐसा नहीं है, 10 भी आपके पेज हैं तो आप एक ही क्लिक से दोनों को स्विच कर सकते हैं और नया पेज जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट आसान होता है फेसबुक पेजेस का। उसी के साथ ही अगर आपका फेसबुक पेज है, तो आपको काफी सारे जो फेसबुक की बिजनेस एप्स हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग एप्स हो गई, प्लानिंग एप्स हो गई, मेटा बिजनेस सूट हो गया, इनका भी एक्सेस मिलता है, जो कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपके पेज को प्रमोट करने के लिए काफी यूजफुल होता है, बट प्रोफाइल नहीं। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप फेसबुक को यूज करना चाहते हो अपने पर्सनल तरीके से, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने के लिए बस, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो प्रोफेशनली, आप या तो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, चाहे फूड रेसिपीज हो गई, या आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहते हो, तो फेसबुक प्रोफेशनल जो पेज है वो आपके लिए है। तो इन दोनों में आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। बाकी इनकी कंप्लीट बात हम इस पूरे कोर्स में करेंगे, फेसबुक ऑर्गेनिक का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।